हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 4 दैट इज मोशन इन अ प्लेन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे अबाउट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। तो अभी तक हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब हम बात करेंगे प्लेन में। प्लेन में आपको पता है कि एक्स एक्सेस होते हैं और वाई एक्सेस होते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट दिस एक्सेस बी एक्स एक्सेस एंड दिस एक्सेस बी वाई एक्सेस। आपको पता है कि अगर मैं ये पेज पर भी लिख रही हूँ तो पेज भी क्या है, एक तरीके का प्लेन है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पार्टिकल है जिसकी कुछ पोजीशन है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? इसकी क्या पोजीशन है हमें नहीं पता, ठीक है? हम कहते हैं कि ये जो है ना पार्टिकल, ये कितनी दूर है, तो हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, दिस ओरिजिन मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? तो ये जो है पार्टिकल इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है, मैं कहती हूँ 6 मीटर दूर है, ठीक है? तो अगर ये इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है वो 6 मीटर की दूरी पर है, तो मुझे तो नहीं पता किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक प्रॉपर डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन के लिए हम एक्स एक्सिस को बोलते हैं आई कैप और वाई एक्सिस को बोलते हैं जे कैप, ठीक है? तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? लेट दिस बी पोजीशन, तो वो क्या लिख देते हैं हम, आर वेक्टर बोल देते हैं। वेक्टर हमें पता है कि तरीके की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है? तो अगर इस कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं, ये कहाँ है, तो हम मान लेते हैं एक तरीके से ये 1 है, तो 2, 3, 4 यहाँ ऐसे अगर हम मानते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं इसकी पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूं तो ये 2 तो पड़ रहा है एक्स एक्सिस पे और 5 पे पड़ रहा है वाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 2 और 5 है। तो अब अगर मुझे इसको प्रॉपर पोजीशन बतानी है तो मैं क्या बताऊंगी, लेट दिस बी ओ, तो ओ ए पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर, इसकी क्या पोजीशन है, 2 हमें जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस की तरफ दैट इज आई कैप और 5 हमें जाना पड़ेगा वाई एक्सिस की तरफ दैट इज जे कैप। तो ये हो गई एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम जर्नली कैसे लिखते हैं, हम जर्नली लिखते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ जाओ देन वाई एक्सिस की तरफ चाहिए। तो हेयर एक्स वाई क्या हो गए मैग्नीट्यूड और आई और जे कैप क्या हो गए इनके जो डायरेक्शंस हैं, कि एक्स एक्सिस की तरफ 2 जाना है और वाई एक्सिस की तरफ 5 जाना है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है? अब ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से हिलकर किसी और पोजीशन पे चला जाता है। अब उसकी डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन सी पोजीशन पे जाता है। तो अगेन हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो पहले तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, अब ये मूवमेंट करके थोड़ी सी दूर चला गया है, मान लो यहाँ चला गया है, ठीक है? तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये 2 पे आ रहा था, ये आ रहा था 5 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स थे 2 और 5, ठीक है? अब ये मूवमेंट करके आगे चला गया, तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स अब आ रहे हैं यहाँ पर, पहले 2 था, अब आ रहे हैं मान लो 6 आ रहे हैं और यहाँ पे मान लेते हैं 8 आ रहे हैं। तो अब ये पहुँच गया है यहाँ पर दैट इज 6, 8 पे पहुँच गया है, ठीक है? तो पहले इसकी पोजीशन क्या थी, रेफरेंस से मानेंगे तो इसकी पोजीशन जो थी पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक थी आर वेक्टर, ठीक है? अब फिर इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ पहुँच गया है। अब इसकी पोजीशन कितनी दूर पहुँच गया है, तो इसकी पोजीशन भी हम इसी रेफरेंस से ही बताएंगे। तो ये अब पहुँच गया है एक तरीके से आर डैश वेक्टर दूर चला गया है, ठीक है? तो अब मेरे को देखनी है वो कितनी अपनी जगह से हिला है, यानी कि उसने कितना डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि उसके अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच गया है, तो ये हो जाएगी इसकी क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं, एस वेक्टर, और हम लगाएंगे डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। जैसे कि मैं अगर लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या है? आर डैश। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या है? आर। अगर मैं इन पॉइंट्स को मान लेती हूँ, ये है x2, ये है आपके x2 y2 और ये पॉइंट्स क्या है? x1 y1। तो क्या आएगा इसके पॉइंट्स में? क्या लिखेंगे हम? x2 i कैप प्लस y2 j कैप, इस तरीके से लिखेंगे। माइनस यहाँ क्या लिखेंगे? x1 i कैप इनिशियल के लिए प्लस y1 j कैप, ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन फाइनल एंड पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो उसके लिए क्या लग जाएगा? डेल्टा, और वो भी क्या है? वेक्टर है, तो इसलिए हम यहाँ लगा रहे हैं वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बनेगा? डेल्टा एस, ये क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप वाले अलग हो जाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, यह आ जाएगा। ठीक है, दैट ऑल्सो कैन बी रिटन एज, इस तरीके से कि डेल्टा एस डैश इज इक्वल टू, अब ये चेंज है तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, यानी कि x में कितना चेंज आया है एंड y में कितना चेंज आया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इन दोनों के बारे में, तो क्या लिखूंगी मैं? डेल्टा s, ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस 2, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 दैट इज 4 आई कैप प्लस 8 माइनस 5, ये आएगा ना y2 माइनस y1, 8 माइनस 5 दैट इज प्लस 3 जे कैप। तो ये आ गया आपका, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये रही इनिशियल टू फाइनल, ये रही डायरेक्शन। ठीक है, अब अगेन वन मोर थिंग, तो डायरेक्शन हमने वैसे तो मैथमेटिकली ये ग्राफिकली निकाल ली है, ठीक है, लेकिन हम मैथमेटिकली भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो हमने अभी फाइंड किया है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। अब अगर हमें क्या फाइंड करना है? इसका मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया, एक तरीके से हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है, ठीक है, ये हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं हम? डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज इन एक्स पोजीशन कितना आया? 4, और यहाँ कितना आया? 3। तो ये हो गया 16 प्लस 9 दैट इज 25, तो ये आ गया आपके पास 5 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्शन की, ये तो हमने फाइंड कर लिया मैग्नीट्यूड। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन का क्या मतलब है? कि अगर मैंने जैसे प्लेन बनाया हुआ था, ये x था, ये y था, इनिशियल पॉइंट यहाँ था एंड ऐसे घूम के फाइनल पॉइंट यहाँ आया था, तो ये था 25 और ये था 68। ठीक है, मुझे ये डायरेक्शन बतानी थी, ये वाली डायरेक्शन बतानी थी। अब ये जो डायरेक्शन है कैसे बताएंगे? वो हम इस तरीके से बताते हैं कि वो x एक्सिस से कितना उठा हुआ है, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर ओरिजिन मानती हूँ, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट मानती हूँ, तो अगर ये x एक्सिस है तो मैं बता देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x एक्सिस से कितना उठा हुआ है। इन शॉर्ट मैं थीटा फाइंड कर लूँ तो मैं फाइंड कर सकती हूँ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये थीटा फाइंड करना है, थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? एक तरीके से y कोऑर्डिनेट के अंदर चेंजेस, और ये है, ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंजेस। थीटा चाहिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। तो क्या लगेगा? tan थीटा लग जाएगा। तो फॉर डायरेक्शन क्या लगेगा? tan थीटा। तो फॉर डायरेक्शन क्या लगेगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ परपेंडिकुलर इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स डेल्टा वाई। क्या है? चेंज इन वाई हमने क्या लिया था? ये इस तरीके से लिखते हैं ना आप, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। हमने अभी अभी इस तरीके से लिखा था इसको, तो दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई कितना है 3 और डेल्टा एक्स कितना है 4। तो ये आ जाएगी आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो थीटा है वो इतना एंगल एक्स एक्सिस से उठा हुआ है। तो ये तो हो गया आपकी डायरेक्शन ऑफ विच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया एंड डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया। अब अगर किसी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट हो रही है दैट मीन्स वहाँ पर वेलोसिटी भी होगी कुछ ना कुछ। तो लेट अस टॉक अबाउट नाउ वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है? वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हमें तो अभी तक यही पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अभी तक हमारे पास ग्राफ में क्या था? हमारे पास अभी तक ग्राफ में ये था कि ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ से ये पोजीशन यहाँ आ गई है ना। तो ये क्या कोऑर्डिनेट्स थे? ये थे आपके पास 2, 5 और ये कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास 6, 8। ठीक है, अब ये तो थे आपके क्या पोजीशंस थी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली पोजीशंस थी R, ये थी सेकेंड पोजीशन दैट इज R डैश। और क्या फाइंड किया था फाइनली हमने? यहाँ से यहाँ तक अभी तक हमने फाइंड कर लिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड कर लिया, ये कर लिया हमने। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करती हूँ तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें टाइम भी अटैच करना है। तो अब हम सपोज करते हैं कि ये जो पोजीशन थी ना, पहली वाली पोजीशन थी, वो 2 सेकेंड्स के लिए थी कि एक ऑब्जेक्ट को 2 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया गया तो उसकी पोजीशन ये आई थी, और फिर 6 सेकेंड बाद ऑब्जर्व किया तो उसकी पोजीशन ये आई। तो मान लो 6 सेकेंड्स के बाद ऑब्जर्व किया तो उसकी पोजीशन ये आई। तो हमने एक तरीके से टाइम भी एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर ये वेलोसिटी है? तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हम? वेलोसिटी को इस तरीके से लिखते हैं, ऑब्वियसली वेक्टर भी लगाएंगे हम, राइट। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। नॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास? डेल्टा एस, ये होती है ना डेल्टा एस, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो बीच में कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई होगी, कभी तेज़ तो कभी स्लो, कभी कुछ, कभी रेस कभी ब्रेक, राइट। तो यानी कि 4 सेकेंड के लिए, यानी कि हमने 2 सेकेंड में पहले ऑब्जर्व करा फिर 6 सेकेंड पे ऑब्जर्व करा, तो टाइम कितना होगा, चेंज इन टाइम कितना हो गया? ये T1 ये T2, यानी कि हमने उसको 4 सेकेंड के लिए जब ऑब्जर्व करा तो उस 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बहुत बार चेंज हुई होगी। तो हम हर बार चेंज हुई वेलोसिटी को तो नहीं ले रहे, हम तो टोटल 4 सेकेंड की वेलोसिटी को ले रहे हैं कि एवरेज कितना आया 4 सेकेंड में। तो यानी कि हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। जब हमारे पास टाइम इंटरवल इतना बड़ा हो जाता है जैसे कि हमने 4 सेकेंड के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि वेलोसिटी और साइडों में ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ट्रायंगुलर ब्रैकेट लगा देते हैं। और जो आपके एनसीईआरटी में इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो है वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर लगा देते हैं बार। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर जो हम एवरेज, जो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? वो हम एवरेज की बात कर रहे हैं। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, राइट, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास डेल्टा एस हमने कितना फाइंड किया था? हमने डेल्टा एस फाइंड किया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, है ना। तो डेल्टा एस है आपके पास 4i कैप प्लस 3j कैप एंड डेल्टा टी हमने अभी अभी फाइंड किया दैट इज 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँ इसको, क्या ओपन करके लिख दूँ? हाँ जी, लिख देते हैं ओपन करके। कैसे? डेल्टा एस का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, क्या होती है डेल्टा एस की? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, यही होती है डेल्टा एक्स आई कैप और नीचे क्या है टी है, प्लस डेल्टा वाई जे कैप और नीचे क्या है डेल्टा टी है। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा एक तरीके से, एक तरीके से क्या बन जाएगा? तो ये क्या है? एक्स में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये क्या है? y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम अगेन क्या होता है आपके पास? वेलोसिटी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी vector average is equal to, now this is velocity in x direction का average i cap plus velocity in y direction का average j cap. तो ये हो गई आपकी proper representation of velocity vector. ठीक है, और अब देखिए अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो एग्जाम्पल में क्या था, फिर से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एक्स कितना था 4 और टाइम कितना है 4, तो ये हो गया 4/4 आई कैप प्लस यहाँ देखिए डेल्टा वाई कितना है, ये होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, यही होता है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, सो दिस इज 3/4 जे कैप, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास आई कैप प्लस 3/4 जे कैप, ये आ गया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक वेलोसिटी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करी है। ठीक है, अब वेलोसिटी वेक्टर का क्या फाइंड करेंगे हम, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो हमने लिखा वेलोसिटी दैट इज कितना लिखा था हमने x में एंड y में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन, और हमारा भी कितना आया है, हमारा आया है 1 आई कैप प्लस 3/4 जे कैप, ये आया है। अब हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कि vx में कितना है एंड vy में कितना है। ठीक है, यही होता है हमारे पास, राइट तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम, 16 प्लस 9 that is equal to √25/16 which is equal to 5/4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में मैं एक नोट चढ़ाना चाहती हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज सेम as direction of displacement vector, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। जैसे कि हमने अभी इसी में देखा कि ये आ रही है, ये आ रही है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो यही होगी वेलोसिटी वेक्टर की भी, यही डायरेक्शन होगी। कैसे होगी, लेट अस प्रूफ। ठीक है, सबसे पहली बात हम डायरेक्शन के लिए क्या फाइंड करते हैं, हम डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट और फिर एक्स कॉम्पोनेंट, यही लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी ये लगाया था, जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डिवाइड में एक्स किया था, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी इन वाई एंड वेलोसिटी इन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो वेलोसिटी इन y कितना आया, y है आपके पास ये 3/4। ठीक है, तो 3/4 v x कितना है 1, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो अब चेक करें कि क्या यही आई थी, तो ध्यान से देखना, ये देखिए सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन आई वही आपकी आई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और ये कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डायरेक्शन होती है एवरेज वेलोसिटी की वो सेम होती है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो लेट अस टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले बच्चे तो इंस्टेंटेनियस देखते ही घबरा जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता है पता नहीं कौन सा मैथ लगेगा यहाँ पर, बट डरने वाली कोई बात नहीं होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, उस टाइम पर। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है कि उस क्षण, उस मोमेंट में कितनी वेलोसिटी थी। तो यानी कि जब हम लिखते हैं वहाँ कंडीशन क्या लग जाती है, वहाँ कंडीशन लग जाती है कि हम बहुत कम टाइम के लिए उस वेलोसिटी को नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कम टाइम क्या होता है, यानी कि जो टाइम होता है वो अप्रोच कर रहा होता है जीरो को, यानी कि इतना छोटा टाइम, इतना कम टाइम जो जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, यानी कि हम डेल्टा टी 0.00001 सेकेंड के लिए अगर हम उस वेलोसिटी को देख रहे हैं कि क्या उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी आई थी, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक चीज और, टाइम जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। हम लिखते हैं अप्रोचेस टू जीरो, इतना छोटा ले लो बट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, हमें पता है कि जैसे ही हम वेलोसिटी लिखते हैं, तो जैसे देखो वेलोसिटी लिखते हैं हम, ठीक है, क्या होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यही होता है, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लग जाती है, लिमिट लग जाती है। लिमिट लगा दी हमने कि डेल्टा टी जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी हमारा इतना छोटा हो कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो लेकिन जीरो ना हो। जीरो क्यों ना हो, जैसे ही यहाँ पर जीरो होगा तो किसी भी चीज का डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो होल वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है, हमने मैथ्स में पढ़ रखा है। तो ये पूरा ही फॉर्मूला नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो डिनोमिनेटर छोटे से छोटा आप ले सकते हो, जीरो को अप्रोच करता हुआ आप ले सकते हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ऑल्सो जैसे ही कभी भी ये चीज़ आती है आपके पास कि यहाँ डेल्टा लगा होता है और यहाँ लिमिट लगी होती है, तो हम इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं डेरिवेटिव, ds बाय dt। तो ये हो जाता है, यहाँ इंट्रोडक्शन होती है डेरिवेटिव की। तो क्या होते हैं डेरिवेटिव्स, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने ऑलरेडी मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं पर्टिकुलर लिंक मैं आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो आपके इस पूरे के पूरे फिजिक्स में काम में आएंगे पूरी 11th में, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने बायो ली होती है लेकिन उसके बाद उनके पास फिजिक्स भी होती है, तो फिर उनके लिए एक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास वेलोसिटी, जिसमें हमने फाइंड कर लिया इसका मैग्नीट्यूड, फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है डायरेक्शन की, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करें, अभी अभी हमने नोट करा था कि जो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमने यहाँ नोट किया कि 2 सेकंड पर ऑब्जर्व किया था, फिर 6 सेकंड पर ऑब्जर्व किया था, यानी कि 4 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया तो हमारी निकल के आई एवरेज वेलोसिटी। तब हम 4 सेकंड के लिए हम उसको इंस्टेंटेनियस तो नहीं बोल सकते। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा कि इतने कम टाइम के लिए हमने उसको देखना है, ठीक है, कि इतने कम टाइम में क्या चेंज आया वेलोसिटी में। तो उसके लिए अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जो ऑब्जेक्ट ने पाथ जो कवर किया था वो क्या था, इस तरीके से पाथ था उसका, ठीक है। तो मान लो पहले किसी एक टाइम पर वो इस पॉइंट पे थी, ठीक है, लेट इट द पॉइंट बी ए, इस पॉइंट पे थी। आफ्टर टाइम 0.0000001 सेकेंड, यानी कि ये मैंने एक तरीके से एग्जाम्पल लिए कि इतने कम टाइम के लिए, ठीक है, इतने कम टाइम के लिए अगर वो पोजीशन उसकी चेंज होगी तो कहाँ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पहुँच पाएगा, यानी कि बी पोजीशन तक पहुँच पाएगा, है ना। ओके, तो अगर मैं इसकी पोजीशन देखती हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पोजीशन क्या हुई, आर। सेकेंड की क्या पोजीशन हुई, आर डैश, ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी है इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल देखो, जब मैंने इसको जोड़ा तो क्या बना, ये देखो जब मैंने इसको जोड़ दिया कि इनिशियल टू फाइनल देखा तो क्या बना, एक तरीके से ये एक कर्व, ये वाला कर्व, ठीक है। मैं इसको कलर भी सेम दे देती हूँ। अगर ये कर्व है तो ये रहा कर्व, ठीक है, उसके ऊपर ये लाइन आई है तो ये रही लाइन। तो हमने मैथ्स में पढ़ रखा है जब एक कर्व पे एक लाइन ऐसे टच करके जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकल के आई, डायरेक्शन क्या निकल के आई, डायरेक्शन निकल के आई टेंजेंट टू द पाथ, टेंजेंट टू द पाथ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब हम एवरेज की बात कर रहे थे तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हमने नोटिस किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनी थी एवरेज की, है ना, ये बनी थी एवरेज की। और ये क्या थी? वो सेम थी as the direction of displacement vector, लेकिन for instantaneous velocity हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये डायरेक्शन ऑब्जर्व करी। ये डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है टेंजेंट टू द पाथ। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द टेंजेंट टू द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो कर्व है उसका जो टेंजेंट है दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये थी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रही डायरेक्शन। अब वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की ना बात करें ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। तो अब हम एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, यही होता है। तो अगर हम देखते हैं कि ए एक्सेलरेशन, ठीक है, और अगर हम फिर से अगेन हम ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे हम फोर सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व कर रहे थे, तो 4 सेकेंड के लिए भी हमें क्या मिलेगी? एक्सेलरेशन एवरेज मिलेगी। तो एवरेज के लिए हम क्या लगा देंगे? पार लगा देंगे। सो दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। ऑब्वियसली अगेन चेंज इन वेलोसिटी का हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था वेलोसिटी के लिए ये लिखा था हमने डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, और कलेक्टिवली हमने इसको क्या लिखा था? वी एक्स प्लस वी वाई, ये लिखा है हमने इसको। अगेन यहाँ पे एवरेज है तो ये भी क्या होगी? एवरेज होगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि दैट वी नो कि डेल्टा वी वेक्टर के ऊपर एवरेज है ना, वेक्टर के ऊपर एवरेज, और हमने क्या लिया था? डेल्टा वी एक्स, राइट, यहाँ पर चेंज नहीं है, दिस इज वी एक्स बार आई कैप प्लस वी वाई बार जे कैप। ये हमने क्या दी थी? रिप्रेजेंटेशन दी थी एवरेज वेलोसिटी की, राइट तो अब वही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास? वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा बाय डेल्टा टी, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम वी एक्स बार आई कैप प्लस सी वाई बार जे कैप, अलग अलग कर देंगे अब हम इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा वी एक्स बार आई कैप बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई बार जे कैप अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। अब अगेन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन, ये आएगी एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सेस प्लस इसके लिए क्या हो जाएगी? एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई एक्सेस कलेक्टिवली, राइट तो ये आ जाएगी। अगेन अब अगर हम इसकी बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन इज क्या लिखेंगे हम? एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाता है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर हम डायरेक्शन फाइंड करने लगे तो डायरेक्शन क्या होगी? अगेन हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू कि जो हमारा y कॉम्पोनेंट में आएगी एक्सेलरेशन डिवाइड में x कॉम्पोनेंट में जो एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन, ठीक है। ये आगे डायरेक्शन। अब अगर मैं पर्टिकुलर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करती हूँ और ग्राफ में हम अगर इंडिकेट करते हैं तो क्या होगा? इफ इट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मोशन क्या था ऑब्जेक्ट का? मोशन ये था, यहाँ से यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था। तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, और हम नोट कर रहे थे आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड के बाद अगर हम नोट कर रहे थे तो एवरेज हमने वेलोसिटी भी निकाली थी। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम इनके डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? एट दिस इंस्टेंट, ये कौन सा इंस्टेंट था? 2 सेकेंड वाला इंस्टेंट था। ये कौन सा इंस्टेंट था? ये 6 सेकेंड वाला इंस्टेंट था, ठीक है। तो 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी और 6 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन क्या हो जाएगा, एवरेज, जो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात करती हूँ तो 2 सेकंड में जो वेलोसिटी थी तो वो क्या होगी, एट दैट इंस्टेंट हो गई, एट दैट इंस्टेंट, यानी कि 2 सेकंड के इंस्टेंट पर। तो यानी कि यहाँ पे मैं कौन सी वेलोसिटी की वो डायरेक्शन लूंगी, इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो कर्व के क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है। ये हो गई आपके इनिशियल। अब सिमिलरली यहाँ 6 सेकंड के इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, 6 सेकंड के इंस्टेंट पर अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो क्या होती है, टेंजेंट होती है। ये हो गई आपकी v2। तो ये हो गई v1, ये हो गई v2। अगर मैं इन वेक्टर्स को नीचे उठा के रखती हूँ, ठीक है, ये हो गई इनिशियल और ये उठा के मैं ऐसे यहाँ लगा देती हूँ, ये हो गई फाइनल। तो दिस इज v1, दिस इज v2। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। ये डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। इस डायरेक्शन को और समझते हैं 2-3 ग्राफ और बनाकर। तो अभी हम बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन होती है चेंज इन वेलोसिटी की, है ना, चेंज इन वेलोसिटी की। तो अभी हम यहाँ पे 2-3 ग्राफ डिस्कस करते हैं एंड देन आगे हम चलेंगे। मान लीजिए पहला ये है इस तरीके से, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक और ले लेते हैं यहाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक ऐसा हम कर्व ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये कर्व ले लेते हैं, ठीक है, एक ये कर्व ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नोटिस करती हूँ, एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर और एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट विल बी द टेंजेंट। एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट विल बी द टेंजेंट। तो ये हो गई इनिशियल, ये हो गई फाइनल, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं, इसको ऐसे जोड़ूं, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, इस तरीके से आएगी। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, अगर ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, अगर मैं इसको उठा के यहाँ जोड़ दूं, नीचे की तरफ आएगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर हम ऐसे ही 2 पॉइंट उठाते हैं, मान लो मैंने कोई एक ये पॉइंट उठा लिया और मान लो मैंने कोई ये पॉइंट उठा लिया, ठीक है। एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। यहाँ पर ये होगी इनिशियल हो गई, ठीक है। एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी विल बी इंस्टेंटेनियस एंड दैट विल बी द टेंजेंट टू द कर्व, ये होगी, ये हो गई v2। अब ये यहाँ पर ये अगर मैं उठा के यहाँ पे लगाती हूँ तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होगी। यहाँ पर भी क्या थी, इनिशियल टू फाइनल, तो नीचे की तरफ आ रही थी। यहाँ पे क्या, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल कहाँ जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ऊपर की तरफ। ये हो गई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो हमने अभी तक क्या नोटिस किया, हमने नोटिस करा कि जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आ रही थी वो आप देखें यहाँ पे क्या आ रही थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही थी। यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक तरीके से, जैसे हमने ये बताया नीचे की तरफ, तो ऐसे ही यहाँ आ रही है, ठीक है। तो यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो आपकी वेरी करती है 0 to 180 एंगल के बीच में, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। जब हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते थे, स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, स्ट्रेट लाइन में अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो हम बोलते थे एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती थी, एक्सेलरेशन आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी, तो हम क्या कहते थे, ऑपोजिट टू द मोशन है, तो डी एक्सेलरेटेड मोशन है, यही बोलते थे हम। तो इसमें क्या होता था, आपका एंगल 0, यहाँ एंगल होता था 180, यानी कि उसके अंदर 2 ही केस होते थे स्ट्रेट लाइन में, या तो इधर मूव करते थे या इधर मूव करते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो दिस इज एक्सेलरेशन जो आती है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो 2 वेलोसिटी का एंगल बीच में बहुत सारे हो सकते हैं, दैट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी उनके एंगल बहुत सारे होंगे। तो वो हो गई आपकी क्या, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन अ प्लेन क्या होती है, वो एंगल पे वेरी करती है 0 to 180। ठीक है, ये हो गई आपकी बात किसकी, एवरेज एक्सेलरेशन की। तो कौन सी बच गई आपके पास, यस इंस्टेंटेनियस बच गई। तो लेट अस टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगेन इंस्टेंटेनियस को हमने स्टडी करना है तो हमें क्या बात करनी पड़ेगी, एट दैट इंस्टेंट, और हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगेन हम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि जो टाइम है डेल्टा टी है वो क्या करना चाहिए, अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस है तो लिमिट लग जाएगी, लिमिट क्या लगेगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और ये आ जाएगी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ऑल्सो हमने अभी अभी पता किया था कि जैसे ही लिमिट और डेल्टा आता है तो उसको हटा के हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डेरिवेटिव। सो दिस विल बी डीवी बाय डीटी। तो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑल्सो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन की, ठीक है डायरेक्शन की, तो देखो सबसे पहली बात, फिर से मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ, ये एक्स ये वाई। एवरेज के लिए हमने क्या किया था, एवरेज के लिए हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व किया होगा एवरेज। तो जिसकी वजह से एक वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, एक वेलोसिटी यहाँ आ गई, तो बीच में हमारी होगी एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो नीचे की तरफ आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स तो नहीं होगा, वहाँ पे टाइम क्या लेंगे हम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम ले लेंगे, दैट इज 0.00001 सेकेंड्स, इतना छोटा टाइम लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा पाथ ऐसा है कुछ, ठीक है कुछ इस तरीके का पाथ है, तो अब देखिए मान लो पहले हमने वेलोसिटी यहाँ ऑब्जर्व करी, ए पॉइंट पर यहाँ पर ऑब्जर्व करी हमने वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमने आफ्टर दिस टाइम, इतने टाइम के बाद कहाँ ही हमने वेलोसिटी करी होगी ऑब्जर्व, यहाँ पर ही कर ली होगी ऑब्जर्व, ज़्यादा से ज़्यादा बी पॉइंट पे ऑब्जर्व कर ली होगी हमने वेलोसिटी। ठीक है, ओके अब हम ड्रॉ करते हैं इसके दोनों की डायरेक्शन। तो क्या है, इस पॉइंट पर क्या होगी, एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी विल बी इंस्टेंटेनियस और दैट विल बी द टेंजेंट टू द कर्व, ये हो जाएगी। अब बी पॉइंट की बात करो, ये थी इनिशियल वेलोसिटी v1। अब बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी विल बी इंस्टेंटेनियस एंड वो भी क्या होगी, टेंजेंट भी होगी। ठीक है, टेंजेंट टू द पाथ, तो वो भी क्या होगी इस तरीके से, ऐसे, दैट इज v2। अरे आपने नोटिस करा कि दोनों की दोनों डायरेक्शन एक के ऊपर कॉन्साइड करगी, इसी के ऊपर, है ना। तो यानी कि ये था जिसमें v1 भी यही डायरेक्शन आई और v2 भी यही डायरेक्शन आई। ठीक है, तो दोनों के दोनों, पहला ये आया फिर दूसरा भी यही आया। अब मैं क्या करूं, अब मुझे तो क्या चाहिए था, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए था, यहाँ तो आया ही नहीं। मैं क्या करती हूँ, जो एक के ऊपर दूसरा वेक्टर आया ना, उस वेक्टर को उठा के ऊपर रखती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया v1, जो v2 इसके ऊपर आया था ना, इसको मैं उठा के ऊपर रखने की कोशिश करती हूँ, तो ये हो गया v2। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो ये आएगी फाइनल टू इनिशियल, that will be change in velocity, that will be the direction of acceleration। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये रही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो क्या है, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी की डायरेक्शन की। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप बोल सकते हो एक कंक्लूजन आप बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री पर होती है वेलोसिटी के। तो सेम डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी डायरेक्शन, तो अगर ये एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी यहीं पर ही होगा, दोनों के अंदर सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी यही डायरेक्शन है, तो दैट इज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ मैं नोट लिख देती हूँ, नोट दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ ली हैं, अब हम करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल विच इज़ 4.4। तो अब ये आपका एग्जाम्पल 4.4 है, ये क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। तो ये आपको एक पोजीशन दे रखी है r वेक्टर इज इक्वल टू 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ये एक पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर r टू बी इन मीटर्स। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है, वो किस में है? मीटर्स में है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड वेलोसिटी एट दैट टाइम, एक्सेलरेशन एट दैट टाइम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पहले तो ये फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर टाइम एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी एट टाइम t। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें पता है बहुत अच्छे से क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डेल्टा s होता है, तो यहाँ पे r दे रखा है तो हम r भी यूज कर सकते हैं, अपॉन में डेल्टा t। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ हमें क्या बोला हुआ है? यहाँ हमें बोला हुआ है वेलोसिटी एट टाइम t, एट टाइम t। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है एवरेज का, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं कि इस टाइम इंटरवल पर, यानी कि इस इंस्टेंट पर। तो जैसे यहाँ पे एट दिस इंस्टेंट लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लग जाएगी आपकी लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। और यानी कि उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ हमें क्या फाइंड करना है इसका? इसको हटा के क्या लगा देंगे हम? डेरिवेटिव लगा देंगे। तो ये क्या बन गई? इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला। क्लियर होगी ये बात? तो यानी कि हमें दैट एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पर, उस क्षण पर पूछा जाए तो हमें क्या लगानी होती है? इंस्टेंटेनियस। और इसके लिए क्या लगता है? डेरिवेटिव लगता है। ठीक है, तो dr बाई dt हो गया। r की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। r की क्या है? 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अब यहाँ मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देती हूँ कि जब कभी भी ऐसे dt बाई dt होता है तो इसका मतलब होता है कैंसिल हो गया, एक तरीके से आप समझ सकते हैं 1 हो गया। ठीक है, एंड वैसे फॉर्मूला क्या होता है जनरल कि dt की पावर n अपॉन में dt होता है। तो क्या होता है? n आगे आ जाता है, t और n की पावर 1 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 t की पावर 1 माइनस 1 इज 0 और किसी की भी पावर 0 इज अगेन 1। तो अगर आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा एंड t की पावर 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। ऑल्सो अगर यहाँ पर dt ना होके कोई और z है या कोई और एलिमेंट है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0। तो किसी के भी रिस्पेक्ट में, डिफरेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो हो जाता है 0। या कोई कांस्टेंट लगा लो या 2 लगा लो तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थे, इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अलग अलग कर लेते हैं आप। डी बाई डी टी ऑफ 3ti कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर j कैप डी बाई डी टी ऑफ 5k कैप। ठीक है, ये हम फाइंड करें वेलोसिटी एट टाइम t। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो dt बाई डी टी करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? सिर्फ 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा साथ में i कैप प्लस। आगे चलिए, t स्क्वायर का हमने क्या किया था? 2t1, तो 2 आगे आएगा, 2 एक और भी पड़ा, 2 2 जा 4 और साथ में क्या लग जाएगा? एक t। दिस इज 4t और साथ में j कैप। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिस इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वेलोसिटी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी एट टाइम t। ये हमने फाइंड कर ली वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। तो अगेन एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? एक्सेलरेशन के लिए फिर एट दैट टाइम तो क्या लगेगी? फिर से इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लगाते हैं हम? डेरिवेटिव। तो dv बाई dt हो जाएगा। तो dv हमने अभी फाइंड किया, दैट इज d बाई dt, और v हमने क्या फाइंड किया है? हमने 3i कैप प्लस 4t j कैप ये किया। यानी कि हमने इसका फिर से क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो जब हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखेंगे इसको। ये हो गया d बाई डी टी ऑफ 3i कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 4t j कैप। तो यहाँ पर तो कोई t नहीं है, दैट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट की क्या हो जाएगी? 0। प्लस यहाँ पर एक टी है तो क्या हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव वन, क्या बचा फोर, तो फोर जे का, तो एक्सेलरेशन एट टाइम टी कितना आ गया आपके पास, फोर जे का। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट जिसमें आपने वेलोसिटी एट टाइम टी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी आपने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है बी पार्ट में, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने बात करनी है बी पार्ट के लिए कि टाइम हमें यूज़ करना है 1 सेकेंड, उसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर टाइम 1 सेकेंड, तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी लिखते हैं। वेलोसिटी क्या आती है हमारे पास, वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, ये आई थी ना 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, सॉरी हाँ 4tj कैप ये थी, तो ये था आपके पास 3i कैप प्लस 4tj कैप। फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी कि t की जगह पे हमने 1 पुट करना है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3i कैप प्लस 4j कैप। पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, x के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड y के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 दैट इज रूट 25, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, इतनी थी। अब हम फाइंड करने वाले हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इन y कंपोनेंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू, y के लिए कंपोनेंट क्या है 4, x के लिए कंपोनेंट 3, तो tan इनवर्स 4/3। तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री लिख सकते हैं विद एक्स एक्सेस। और ये कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, इस एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। बट अगर आप अपना एंगल यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो भी गलत नहीं है। तो हमने अभी तक क्या बात करी है, ऑल अबाउट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, वैसे ही प्लेन में भी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दोज इक्वेशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ प्लेन से पहले हमने क्या पढ़ रखा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेर s इज द डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, a एक्सेलरेशन एंड सेम हेयर। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन में क्या आता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो प्लेन को कॉम्प्लिकेट ना करने की वजह से जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम x एक्सिस का मोशन अलग पढ़ लेंगे और y एक्सिस का मोशन अलग पढ़ लेंगे। तो जब कभी भी हम x एक्सिस का मोशन पढ़ रहे होंगे, तो x एक्सिस का मतलब क्या कि हम एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहे होंगे, तो इक्वेशंस हमारे बिल्कुल वही रहेंगी, बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ऑल्सो दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ क्या होती हैं आपकी डायरेक्शंस होती हैं, तो डायरेक्शन में हम क्या लगा देंगे, सब पे वैक्टर्स लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गई x एक्सिस में, फिर इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शंस, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन एंड टाइम टेकन। टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। तो सेम अगर हम x डायरेक्शन के लिए ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, s क्या होता है आपका, s इज डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम x की बात करें कि x डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यही होगी ना, डेल्टा एक्स, इनकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज, इफ इट इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, दिस इज x2, दिस इज x1. तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा, राइट तो वही डेल्टा x. अब यहाँ पे लिखे ux, फिर ax एंड t स्क्वायर. सेम यहाँ पर भी क्या बनेगी आपके पास, 2ax डेल्टा x vx स्क्वायर ux स्क्वायर, ठीक है. एंड सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के लिए लिखते हैं तो y एक्सिस के लिए अलग से एक मोशन रहेगा. मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट आया, फिर अब यहाँ पे चलने लग गया, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं ना कि मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो पहले हमने उसका मोशन नोटिस करा x एक्सिस की तरफ, फिर हमने उसका मोशन नोटिस किया y एक्सिस की तरफ. तो y के लिए भी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. तो हम क्या करेंगे, वही इक्वेशंस यूज करेंगे, बस हम क्या लगा देंगे, हम सब पे y लगा देंगे कि y एक्सिस की तरफ हमारी क्या क्या चेंजेस हुए. तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y, acceleration in y direction. Similarly अब यहाँ पर change in velocity, change in direction, if this is y2 point, this is y1 point, तो क्या हो जाएगा ये displacement y2 minus y1. तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, delta y, कि y की तरफ क्या displacement हुई है, uyt half ayt square. यहाँ पे भी लिखेंगे 2ay delta y vy square uy स्क्वायर. तो ये हो जाएंगी आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन फॉर x एक्सिस एज वेल एज फॉर y एक्सिस. इन सबको अप्लाई कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है. लेट अस डिस्कस दैट एग्जाम्पल. तो अब इसी से रिलेटेड करते हैं एग्जाम्पल 4.5. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 with a velocity 5 i cap meter per second, moves in xy plane under an action of a force which produces a constant acceleration of 3 i cap plus 2 j cap meter per second square. What is the y coordinate of the particle at the instant at its x coordinate is 84 meter. What is the speed of the particle at this time? तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में साफ साफ सीधी सीधी से बात की गई है कि जो एक पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है. ओरिजिन आपको पता ही है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये रहा आपका ओरिजिन. यहाँ से पार्टिकल आपका स्टार्ट होता है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगता है, 5 मीटर पर सेकंड. वो भी i कैप है यानी कि x एक्सिस की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है. तो xy प्लेन में जब वो मूव करता है तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, दिस वन, ठीक है. अब क्या बोला गया कि व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उस मूवमेंट पर, किस मूवमेंट पर, जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर होगा यानी कि वो 84 मीटर दूर चला जाएगा. उस मूवमेंट पर आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है. तो सबसे पहली बात यहाँ पे ना दो चीज़ें पूछी गई हैं. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कि जब वो पार्टिकल x कोऑर्डिनेट में 84 मीटर चला जाएगा उस इंस्टेंट पर, यानी कि इस टाइम, इसका मतलब क्या हो, उस टाइम पर जो पार्टिकल है वो y कोऑर्डिनेट में कितना मूव करा होगा, राइट. तो अब यहाँ पर देखिए हिडन क्या चीज़ है. पहले तो हमें देखना है कि वो 84 मीटर कितने टाइम पे पहुंचा एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पर वो y कोऑर्डिनेट में कितनी दूर गया, ठीक है. तो मान लो कुछ इस तरीके से पार्टिकल था, मान लो पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँच गया, ठीक है. तो हमने पहले देखना है कि 84 मीटर कितने टाइम पे पहुँचा, ठीक है, और फिर वो y एक्सिस पे ये कितनी दूर था, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, राइट. तो हम लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले. तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो कितनी वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट. तो इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं. इनिशियल वेलोसिटी इज 5 i cap मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन दे रखी है तो एक्सेलरेशन कितनी है, 3 i cap plus 2 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो सबसे पहली बात हमें देखना है कि 84 मीटर वो कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है. तो यानी कि हमें टाइम फाइंड करना है पहले, तो उसके बाद y कोऑर्डिनेट की बात हम करेंगे. पहले तो हमें उस टाइम पे देखना है कि जब वो 84 मीटर कहाँ पहुँच गया, राइट, ओके. तो जैसे ही अगर हमें U दे रखा है, A दे रखा है, हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करना है वो कितनी दूर पहुंचा, यानी कि हमें फाइंड करना है एक तरीके से S फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, राइट। कि यानी कि x में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, y में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट कि s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हमें s चाहिए, u दे रखा है, a दे रखा है, t चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे एंड वैक्टर्स लगाएंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया s की जगह पे डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है, 5 आई कैप, टी एज इट इज प्लस हाफ व्हाट इज ए, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड टी स्क्वायर लगा लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, कितना दे रखा है, दैट इज 84 हमें ऑलरेडी दे रखा है 84। और हमें देखना है कि वाई निकालना है हमें, एक्चुअल में तो यही करना है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, पहले हम इसको आई के कोऑर्डिनेट्स, ये रहा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो यहाँ आई के कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं और जे के कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि एक्स में कितना मूवमेंट हुआ है और वाई में कितना मूवमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5t, ये आई कैप वाला, यहाँ पे कौन सा आई कैप वाला, ये, इसके साथ यहाँ 2 भी लगा हुआ है, तो 3/2 हो जाएगा। तो प्लस 3/2, साथ में क्या है, टी स्क्वायर है और आई कैप है, तो आई कैप लग गया बाहर। प्लस यहाँ कोई जे कैप नहीं है, यहाँ पर जे है, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, क्या बच गया, जे कैप। और यहाँ क्या है, टी स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन जिसके अंदर हमने x के कंपोनेंट को और y के कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पर देखो x के कंपोनेंट्स, यानी कि ये हो गए आई वाले, ये हो गए j के कंपोनेंट्स, ये हो गए जे वाले कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंपेयर करते हैं। तो इधर i के कंपोनेंट क्या है, डेल्टा x, इधर i का कंपोनेंट क्या है, 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, राइट। और इधर देख लेते हैं राइट हैंड साइड में, इधर क्या है, डेल्टा वाई, और इधर वाई का कंपोनेंट क्या है, टी स्क्वायर, सॉरी जे का कंपोनेंट, टी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए हमें पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमने टी फाइंड करना है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये हो गई, क्या हो गई कि हमें पहले तो पता करना था कि किस टाइम पे जो हमारा पार्टिकल है वो 84 मीटर तक जाएगा। तो यहाँ से हम t निकाल लेंगे, जैसे ही हमारा t निकलेगा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा कि हाँ जी उस टाइम पर वो y एक्सिस पे कितना मूव कर गया, ठीक है। जैसे 84 मीटर x एक्सिस पे गया उस टाइम पे, वो टाइम पता चल जाएगा, वो टाइम यहाँ पुट करते ही मुझे y यानी कि वो y पर कहाँ तक जाएगा वो भी पता चल जाएगा। एक और चीज, अब मैं यहाँ से डेल्टा x हटा के लिखने वाली हूँ सिर्फ x ना। तो क्वेश्चन अराइजेज आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1, राइट। इस तरीके से करते हैं ना, डेल्टा एक्स क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होती है। अब यहाँ इनिशियल पोजीशन क्या, उन्होंने क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, यहाँ से होता है, दैट इज 0 से होता है, ठीक है। और 0 से स्टार्ट हुआ, 84 तक पहुंच गया, तो 84 माइनस 0 कितना हो गया, 84, यानी कि मैं इसको नॉर्मल एक्स लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगी, y लिख दूंगी, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। कर दिया हमने। अब कहाँ तक x तक पहुंच गया है, 84, तो हम x की जगह पे लिख देते हैं 84, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको, सॉरी यहाँ पे t है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो पहले 3/2 टी स्क्वायर पहले, फिर टी वाला ये इधर आएगा, तो माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। अब 2 है तो 2 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 3t स्क्वायर plus 10t minus 2 4s are 8 and 2 8s are 16 is equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर आके खत्म हो गया. आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0. तो अब आपके पास आ चुकी है ये इक्वेशन. ठीक है, मैं यहाँ के लिए इसके लिए एक ब्लॉक छोड़ देती हूँ ताकि जब हम t सॉल्व करेंगे इसमें पुट करेंगे यहाँ से हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक है, अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो आप लोगों को 10th में हमने बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं इसको. क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 मल्टीप्लाई 168 विच इज इक्वल टू 504. ठीक है, तो यानी कि अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 504 आए और उन्हीं को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए 10. यानी कि प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए, सम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उन्हीं 2 नंबर्स में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए. तो हम कैसे सोचें, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 504 के फैक्टर्स बनाएंगे. तो ये हो गया 2 2 2 4 2 1 6 2 6 3 3 2 1 एंड 3 7 7. ठीक है, तो अब कुछ ऐसी सोचिए कि जिससे हम मल्टीप्लाई, देखो इनमें से ही अगर हम कोई जो चीज़ें उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली 504 ही आएगा. सिर्फ हमने अब ये सोचना है कि उनको हम प्लस करें तो कितना है या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, 10 आए. तो सोचिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18. ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 28. यानी कि 28 माइनस 18, 10 आ गया. एंड 28 मल्टीप्लाई 18 दिस इज 504. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 504 चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 504 चाहिए एंड प्लस का 10 चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही लगा सकते हैं. अगर हम माइनस का 18 लेंगे तो माइनस का 504 आएगा और ये 10 प्लस का आएगा. तो हमारे पास आ गए फैक्टर्स. तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं. 3t स्क्वायर, ठीक है, आगे प्लस माइनस 18t प्लस 28t माइनस 168 इज इक्वल टू 0. यानी हमने 10t को स्प्लिट कर लिया माइनस 18t में एंड प्लस 28t में. अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3t कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, t माइनस 6. इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 28 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, t माइनस 6. अब t माइनस 6 कॉमन, क्या बच गया, 3t प्लस 28 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर देंगे. यहां से जो t है वो कितना आ गया, इधर आके 6 सेकेंड्स, और यहां से t कितना आ जाएगा, माइनस का 28 बाय 3. एंड दिस इज रिजेक्टेड बिकॉज टाइम कैन नॉट बी इन नेगेटिव, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा. ये टाइम आ गया आपके पास 6 सेकेंड्स. यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में 84 मीटर तक दूर कितने टाइम में जाएगा, 6 सेकेंड्स में जाएगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेकेंड्स में पहुँचेगा और उस 6 सेकेंड्स में वाई की कितनी, वाई कोऑर्डिनेट में कितना पहुँचेगा. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं. टाइम 6 आया, 6 का स्क्वायर तो y कितना आ गया, 36 मीटर. तो यानी कि ये यहाँ पहुँच जाएगा जब वो 84 मीटर x एक्सिस की तरफ, 36 मीटर y एक्सिस की तरफ होगा इन 6 सेकेंड्स. तो ये हमने एग्जैक्ट 6 सेकेंड्स में उनकी पोजीशन बता दी कि 84 x एक्सिस की तरफ एंड 36 y एक्सिस की तरफ. ये तो हो गया हमारा ए पार्ट. ए पार्ट डन. बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम. इस टाइम पर उस पार्टिकल की स्पीड कितनी थी. स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब एक तरीके से वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, हमने अभी भी पढ़ा था, दैट इज चेंज डेरिवेटिव होता है. ठीक है, एट दैट इंस्टेंट की बात हो रही है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. ठीक है, तो यहाँ पर s क्या था आपके पास, ये था पूरा का पूरा वैल्यू, राइट, ये थी पूरी की पूरी वैल्यू एस की तरफ, राइट। तो यही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ एस था आपका दैट इज 5 टी i कैप प्लस 1/2 3 i कैप प्लस 2 j कैप t स्क्वायर, यही था। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i को अलग और j को अलग। तो इसको फिर से हम एक बार i अलग और j अलग कर लेते हैं, देन इसके अंदर हम पुट करेंगे दिस इज 5 टी प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप, फिर 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्वायर जे कैप हो गया। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो d/dt s की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, 5 टी प्लस 3/2 टी स्क्वायर i कैप प्लस d/dt ऑफ t स्क्वायर j कैप। ओके, अब देखिए, अब हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो हम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम dt/dt करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आता है 1। जब dt/dt करते हैं तो क्या होता है, 2 है तो 2 आगे आ जाता है और यहाँ हो जाता है 2 - 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये मैंने बेसिक्स में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, जब इसको इससे करेंगे तो dt/dt खत्म, क्या बचेगा, सिर्फ 5 आगे। चलिए dt को लेकर अब हम जब आगे चलेंगे तो ये क्या होएगा, 3/2 तो कांस्टेंट है ही। अब टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 3t, और बाहर क्या लगा हुआ है, i कैप। आगे चलिए, अब यहाँ अगेन टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा एंड साथ में j कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 5 + 3 टी i कैप प्लस 2 टी j कैप। ये आ गए आपके पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो आ गई, लेकिन उन्होंने बोला है एट दिस टाइम। दिस टाइम कौन सा, जो हमने अभी अभी 6 सेकेंड्स निकाला था। तो हम लिखेंगे एट टाइम 6 सेकेंड। 6 सेकेंड्स पे क्या हो जाएगी, t की जगह हम 6 पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, 5 + 3 × 6 i कैप प्लस 2 × 6 j कैप, ये हो जाएगा 18 + 5 दैट इज 23 i कैप प्लस 12 j कैप। ये आ गई वेलोसिटी। तो अब निकल आई इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद हमने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, बोला गया है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, vx² + vy²। तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। वही हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस टाइम, तो वो हमने फाइंड कर लिया। सो ये था आपका एग्जाम्पल 4.5। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।